आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं उस्मानगर आया, 3 दिन से दिल्ली में था, सुप्रीम कोर्ट को गया हुआ था। आज मैं नोटिस लेकर आया मेरे वकील साहब के लेटर पे, बड़ंगपेट कमिश्नर, जलपल्ली कमिश्नर, बालापुर मंडल को लेटर दिया हूँ, क्योंकि क़ानूनी तौर से वो करना ज़रूरी है और केस हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है, केस नंबर भी है, एग्रीमेंट की डेट मिलना है। अब आया मुद्दे पे मैं, असल मेरे को फोटोवा भी चाहिए थे यहाँ के। ये है तुम, ये है पूरी पुरानी तुम। यहाँ से पानी नहीं जा रहा, ये पानी की वजह है। इसके पीछे की बड़ी रास मैं बोलूँगा, या पानी रोकने का जो है बाद में बोलूँगा। चलते रहिए, बताते रहिए, चलो रास्ता लगा। बराबर बता दें, ये है खोद के रखे है, खोद के भी फायदा नहीं है, खोदने से भी फायदा नहीं है। ऐसी आ जाओ उतर के, ऐसी आ जाओ, खोद के भी फायदा नहीं है। पानी नहीं जा रहा है यहाँ से, पानी नहीं जाने की वजह से आज उस्मान नगर मैं बताओ दुबे वाले, तो उसका असल नाम दूसरा है, वो भी रात में मैं बोलूँगा। उस्मान नगर है, उस्मान नगर सामने का हिस्सा है, उसके अंदर के हिस्से में दूसरा नाम कहलाया जाता। ये देखिए आप, अब मसला क्या है यहाँ, ये ऊंचा एरिया है, ये ऊंचा एरिया है, पानी नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे असल पुरानी तुम है, जो वो डोहन है, वो तुमको आज से 2002 में बेड डाल के बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैं इसके पीछे सुबह से लगे हुआ हूँ, जब से एयरपोर्ट से आया यही इंक्वायरी के था। तो वहाँ पे तुम है एक पुरानी, वहाँ पे भी पहुँचूँगा। यहाँ से अगर, यहाँ से अगर खोलते हो तो पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा, मगर वो भी काम नहीं कर रही। इसके पीछे मैडम आपका नाम ख़राब करने यहाँ के बालापुर और बड़ंगपेट के जो आपके सीनियर लीडर है, उनका नाम है, मैं समझता हूँ, नरसिम्हा रेड्डी है, उनकी बीवी मेयर है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आगे बताऊँगा आपको, मिसगाइड करके आपका नाम ख़राब कर रहे हैं, और इसके पीछे आपके मिलने वाले और आपके रिश्तेदारों का भी हाथ है। अगर मैं नामा नहीं ले रहा हूँ, मगरिब के बाद या ऐशा के बाद जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं बोलूंगा सब। अब मैं बताता हूं, तो ये वजह ये है, पुरानी तुम 2002 में बंद करे, वो क्यों बंद करे, असल वो खोला जाए पानी चले जाएगा। और यहां से तुम बना के लंबड़ा कॉलोनी को भी तकलीफ दे रहे हैं आप। पुरानी तुम खोलो क्यों, उसके पीछे ज़मीना है बड़े बड़े, वो भी किसके है, कौन वेंचर कर रहा, कितने करोड़ रुपये का है वो काम, टेंडर हुआ क्या हुआ, कितने गवर्नमेंट लैंड के नाले बेचे, कौन बेचे, वो आपके ही साथियाँ बेचे, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बस वो ब्रेक रोको, तो रहा ये यहाँ से पानी आने का है, ये हिस्सा ऊंचा है, इंशाल्लाह मैं आगे जाके वहाँ का भी लूँगा। ये तुम पुरानी 2002 में ये तुमको बंद कर दिया गया, उसके बाद वहाँ की तुमको चालू करा गया। वहाँ की तुम चालू करने से लंबाड़ा कॉलोनी के लोगों को तकलीफ है। असल ये तुम कहीं को बंद करा गया 2002 में, वजह ये है, इस यहाँ से जो पानी जाना है, फरंगी नाला है, वहाँ के ज़मीना जो बेचे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। बेड है इसके पीछे वार में, बेड है, बेड अगर वो खोल दिए, सविता रेड्डी मैडम आप अच्छे हैं, मगर आप मेरी बात सुनिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपके लीडर यहाँ पे आपका नाम ख़राब कर रही, और आपके रिश्तेदार पीछे के बड़े बड़े ज़मीनों में जो इन्वॉल्व होके खरीद के और लैंड ग्रावरी करके गवर्नमेंट लैंडों को भेज दिए, ये सब मैं बोलूँगा। मगर वजह आपकी, आपसे यही कहना है, ये पुरानी तुम है, ये 2002 में बंद करे थे, वजह क्या है ये बंद करने की, और ये बंद करने की वजह से उस्मान नगर का बाजू का जो एरिया है, उस्मान नगर है, पूरा डूबे हुआ है। और जो पुरानी तुम ये है, नई तुम से पानी छोड़ रहे, वो ऊंचा हिस्सा है, पानी नहीं जाता, ये डाउन हिस्सा है, यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा अगर पानी छोड़ना चालू कर देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, लंबड़ा कॉलोनी वालों को भी परेशानी नहीं होगी। सुने मैडम, ये पुरानी तुम है इतनी बड़ी, 2002 में इसको बंद कर दिया गया, वजह क्या है इसको बंद करने की, इसकी तहकीक कोई भी नहीं करे। जब मैं इसकी तहकीक में लगे हुआ हूँ, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि हमारे लंबड़ा कॉलोनी के भी लोगों को तकलीफ नहीं होना, जो तुमसे पानी छोड़ रहे हैं वो तुमसे उनको भी तकलीफ हो रही। असल जो मेन तुम है, मैं वो तुम की जगह जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे रहने वाले भाया हैं, चाहे वो कौन से भी
मजहब के रहने दो, वो भी हमारे ही है, कौन से भी रहने दो। तो मैं अब आया हूँ, जो तुम बंद हुई 2002 में, इसको बेड डाल के बंद कर दिया गया। अगर ये तुम चालू हो गई तो मैं यकीन जानिए सविता रेड्डी मैडम, आपको लंबाड़ा कॉलोनी वाले भी और आपको उस्मान नगर वाले भी, सैफ टू सैफ वन वाले भी पूरे आपको आपकी ताइद में ठहरे हुए रहते। ये तुम क्यों मने मैडम, इसके आप कभी दौरा करे इतने साल में, कभी तुम देखे ये नहीं देखे तो वीडियो में देखो। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपके कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। तो मैं आया हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ, आपको भी पता है ये तुम है, असल ये तुम है जो बंद कर दी गई। इसके ऐसा बेड डाले है, इसको खोले भी तो थोड़ा थोड़ा खोलना चाहिए। असल ये तुम है जो बंद कर दी गई, इसके ऐसा बेड डाले है, इसको खोले भी तो थोड़ा थोड़ा खोलना चाहिए, क्योंकि ये है ज़मीन, ऐसे कई ज़मीन पीछे है जो वेंचर होने वाले है कुछ दिनों में, जो अपार्टमेंट दो दो चार चार करोड़ के बनने वाले है, तो वो वजह से ये पानी रोका गया। मैं ये सब चीज़ इंशाल्लाह बादशाह, मुझे कामों से फिर रहा हूँ मैं, यही बादशाह तफसीली रिपोर्ट मैं आप सब के सामने रखूँगा, क्योंकि मैं डरता नहीं किसी से, अल्लाह से डरता हूँ, बस अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह से ही डरता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे सविता इंद्र रेड्डी मैडम, आपसे मेरी गुजारिश है, अपील है कि ये तुमको चालू करा दो, लंबाड़ा कॉलोनी वालों का भी काम बेहतर हो जाएगा, उस्मान नगर वालों का भी काम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट FTL लैंड है बोल के जो बता रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उसको भी प्रूफ कर रहूँगा, है नहीं है, जो है तो वो देखा जाएगा, जो नहीं है वो भी बताऊँगा। और जितने भी FTL लैंड है, अगर यहाँ की कोई लैंड को धक्का लगेगा तो जितने FTL लैंड पे तुम्हारे लीडरा जो बनाए हैं यहाँ पे, जो मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं एक एक पिटीशन कर सुप्रीम कोर्ट में डालूंगा, वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। जलपल्ली म्यूनसिपल हो या भड़ंगपेड़ म्यूनसिपल हो, मेरी बात याद रखो, गरीबां परेशान है, परेशान मत करो। सेकेंड वीडियो इंशाल्लाह ताला कुछ घंटे या कुछ टाइम के बाद आएगी। शुक्रिया। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद ईजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ₹100 डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं, वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।